नमस्कार, मैं सुनीता, स्वास्थ्य सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे कैरी की मतलब आम की सब्जी। अभी गर्मियाँ चल रही है तो आम भी मिल रहा है, और यह सब्जी ऐसी बनेगी जैसे कि अचार खा रहे हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। कैरी, गुड़, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, राई मेथी, हींग, दो लौंग, छोटा टुकड़ा गज का मतलब दालचीनी का, और ये दो साबुत मिर्च लाल। अभी इसको काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में, ठीक है, ये काट लेने हैं। अभी इसको हम उबालेंगे। जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए ना, तब तक उसे उबालना है, तो इसका खट्टापन निकल जाएगा ज्यादा। अभी कैरी ट्रांसपेरेंट हो गई, देखो। अभी गैस को बंद कर देते हैं और इसको छान लेते हैं। अभी इसको हम बनाते हैं, तो इसके लिए हम एक पैन रख देते हैं। अभी डालेंगे इसके अंदर ऑयल, इसका ऑयल ना थोड़ा ज़्यादा आ रहेगा। अभी डालेंगे राई मेथी। लौंग और दालचीनी, और ये दो साबुत मिर्च। अभी डालेंगे हींग। अभी जो हमने मसाला लिया था ना, उसकी मैंने पेस्ट बना दी है, ताकि सूखा मसाला जल जाएगा। ऐसे पेस्ट बना के उसके अंदर डालना है। अभी अपना मसाला भुन गया है, तो अभी इसके अंदर डालेंगे हम एक कटोरी गुड़। अभी अपना गुड़ भी पिघल गया है, तो थोड़ी देर के बाद अभी इधर डालेंगे हम ये अपनी कैरी। अभी डालेंगे हम कैरी।
उसको जला लेते हैं। और धीमी आंच पे उसे पकने देते हैं 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। अभी अपनी ग्रेवी ठीक हो गई है सब्जी की, तो इसका मतलब है सब्जी बनके तैयार हो गई। तो गैस को कर देते हैं बंद और ये हमारी सब्जी हो गई रेडी। अभी हमारी सब्जी, आम की सब्जी बनके रेडी हो गई खाने के लिए। आप रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, या खिचड़ी, हमारे गुजरातियों की तरह खिचड़ी के साथ भी अच्छी लगेगी। बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।